पढ़ाई करने के लिए चल रहे हैं। आओ सब लोग निकाल लो, उसके आगे आज की पढ़ाई आपकी रहेगी। दो तरीके के कलम लोग पढ़े थे, आप सबके पास अगर किताब भी है तो देख रहे हैं यश वक्र या सिग्माई वक्र के बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम लोग संभार तंत्र समष्टि कहते हैं। आपके पास अगर अवतार होगा तो प्लीज संख्या अभी जमा पढ़ लेते हैं। 126 निकाल लो बाबू सब लोग, 126 अवतार है तुम लोगों के पास। तर कुछ ना रहा का जन का बात आ रहा लगे, अब बात बात निकाल रही 126 पैसा निकाल लो 126 पुराना कि नया वो क्वेश्चन मांग लो। यहाँ तो देखो उसमें लिखा होगा, देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 ना ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो जो आप पढ़े थे कल चर घटांक की वृद्धि के बारे में पढ़े थे, आज आपको पढ़ना है संभार तंत्र वृद्धि। तो दिया है देखिए किताब में, पहले इसको समझिए क्वेश्चन क्यों पूछेगा आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैसे क्वेश्चन दिया भी है 126 देखो ना प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न ऐसे कहेगा कि जनसंख्या वृद्धि के तात्क्षणिक प्रतिरूप मॉडलों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देख रहे हो तात्क्षणिक, ए बाबू तात्क्षणिक का मतलब है dn बटा dt, माने ऐसा आपको यूज करना है जिसमें dn बटा dt आता है उसी को तात्क्षणिक वृद्धि कहते हैं, माने तुरंत वृद्धि होता है, तुरंत क्या होता है वृद्धि होता है। आ याद दिया उपयुक्त तारीख की सहायता से संभार तत्व समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। चलो हम लोग हल करते हैं, सीखते हैं। आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आपने कल ग्राफ बनाया था बाबू, और ग्राफ इस तरीके से बनाए थे, याद करिए ये टाइम था और मान लो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व था, एक आपका तंत्र इस तरीके से गया था सीधा, जिसको आप क्या कहते तो मालूम है, इसको हम लोग कहते हैं एकरे को लेला जे वक्र, जे वक्र जे का कागज जैसा नहीं देख रहे इस तरीके का ये, इसलिए इसको जे वक्र कहते हैं, जे वक्र। ये आपके दिखाता है जानते हो चर घातांकीय वृद्धि, कल पढ़े थे याद करो चर घातांकीय वृद्धि, ये प्रश्न तैयार हो जाना चाहिए आज, ये ध्यान रखना जिंदा या मुर्दा एकदम आराम से तैयार करो। आ एक वक्रवा है ना बनता है मोरबे का रुका तो चलो बाप के 10 लगने में तो ठंडी में तुम लोग और चिकना रखो ना मर जाएंगे। हाँ इसको यश वक्र कहते हैं। अच्छा यश वक्र क्यों कहते हैं मालूम है? हाँ देखा है ना यश आकार के बाद, लेकिन तुमने उल्टा यश आकार कहेंगे तो यश बनेगा ठीक बात। आ इसी को हम लोग कहते हैं संभार तंत्र वृद्धि, अरे यश यश वक्र अश्व से संभार तंत्र वृद्धि। तो प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, प्रश्न का भाव होगा बाबू हम लोग इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं, किसके बारे में कल का जी वक्र यानी चर घातांकी वृद्धि के बारे में हम लोग कल का जिक्र किए। आज हमारा जो वृद्धि होगा उसका नाम होगा यश वक्र, यश यू का यश का पूरा नाम होता है सिग्माइक वक्र, यश वक्र या इसी को हम लोग कहते हैं। आज एकदम तैयारी है आशीष, तुम सही से पढ़ो यार, देखा जब हो गए मजाक तब हो गए, लेकिन पढ़ाई जब शुरू हो गया तो अपने आप को बदल दो कि बीच में हमारा टोके के ना पड़ेगा कि पढ़ आशीष वक्र। चलो सिग्माइक वक्र आ जाओ, चलो यश का पूरा नाम क्या होता है सिग्माइक, यश का पूरा नाम सिग्माइड, सिग्माइड है सिग्माइड। अच्छा आपने देखा था कल कि अगर आपसे कोई पूछे तो आराम से समझना कि जे वक्र में क्या होता है, जे वक्र में कल आपने पढ़ा तो एक कहा कि सर इसमें वृद्धि बहुत तेजी से होती है, अनुकूल परिस्थिति भी होती है, रहने के लिए आवास भी उपस्थित होता है, जितने संसाधन चाहिए सब संसाधन भी उपस्थित होती है,
तो तेजी के साथ ये वृद्धि करता है। कौन वृद्धि करता है? जो जे वक्र होता है वो तेजी के साथ वृद्धि करता है। इतना तो सब लोग याद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? कल आप पढ़े थे ना, इसके लिए आप देखो ताक्षणिक कलश से ना तात्क्षणिक प्रतिरूप, तो तात्क्षणिक प्रतिरूप का मतलब यही होता है, जब भी बात करेगा तात्क्षणिक प्रतिरूप, तात्क्षणिक प्रतिरूप बाबू, तात्क्षणिक मतलब बोला ना हाई dn बटा dt, याद करिए कल आपने लिखा था dn बटा dt बराबर b माइनस d गुणे n, आपने लिखा था ना इस तरीके से। किसके लिए है ये? किसके लिए है बाबू? चर घातांकीय के लिए है। करे कॉल जला तात्क्षणिक प्रतिरूप, तात्क्षणिक का मतलब होगा d लगा दोगे ना तो तुरंत बदल रहा। अच्छा आपने ये कहा था क्या है ये? तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि है, यन का मतलब जनसंख्या घनत्व होता है। आप बी को बर्थ कहते हैं ना, बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म दर। आ डी को डेथ कहते हैं, डेथ का मतलब मृत्यु दर, और यन को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। सब आपको याद होना चाहिए, बहुत मजा आएगा बायोलॉजी के पेपर में। डी एन बट्टा डी टी, इसके जगह पर आप आर लिख सकते हैं ना, अरे भाई जन्म में से मृत्यु को घटा दो और जितना आएगा उसका वृद्धि दर हो गया इन टू यन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक और आप लिखे थे याद करिए, यन बराबर यन जीरो के ऊपर ई आर टी, तीन आपको मैंने वक्र कल पढ़ाया था। आप लोग याद हुआ ना हो, लेकिन मुझे याद हो गया, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भी याद हो गया। अब जो बात हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? बात जो करेंगे तो कौन बात होगी? देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखना ठीक है। यस वक्र या सिग्माइक वक्र में इसमें वृद्धि जो होती है एक बार बढ़ती है, देखो एक बार हमारे पहले घटे, एक बार माना पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर देखो अंतिम में जाकर क्या होता है? घट जाता है। और यह सकार की संरचना प्राप्त होती है। थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। देखो प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन मतलब जानते हैं ना, जैसे आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में आपको जिंदगी जीना है, और किसी के पास 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया में से अपनी जिंदगी को जिएगा। जितने उपलब्ध मान जितने हिसाब से आप अपनी जिंदगी को जिएंगे वही सीमित होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल की मात्रा सीमित है, ये आने वाले टाइम में समाप्त हो जाएंगे। असीमित का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा, सूरजवा सूर्य है जल है ये कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन समाप्त होगा तो पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगी। आई पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग जीते रहेंगे अपनी जिंदगी को। तो सीमित का मतलब होता है जिसकी मात्रा लिमिट है वो समाप्त हो सकता है, असीमित का जिसकी मात्रा बहुत अधिक है। जैसे आपके पास किताब है, किताब की मात्रा सीमित है, आज पूरा अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो यह सीमित है। तो क्या कह रहा है कि प्रकृति में किसी भी प्रजाति के पास जब सीमित संसाधन होते हैं तो इस कारण तब जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब सुनो पहले, जीवों में प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? लड़ाई होती है। क्या होती है? प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है लड़ाई, कॉम्पिटिशन जिसको कहते हैं। जब भी लड़ाई होती है तो उसमें जो जीव जीतता है वही उसका हो जाता है, मान वही उसका भोग करता है, संसार उसका हो जाता है। मान लो तो यहाँ पर तो भोजन रख दो, दो कुत्ता लड़ रहे हैं तो जो इसमें लड़ाई होगा दोनों में, देखो खाएंगे नहीं सब पहले, अगर दो कुत्ता रहता है एक उसको भगाने का प्रयास करता है तो लड़ाई होता है दोनों में, और जो जीतता है उसका भोजन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तो जब सीमित संसाधन रहेंगे खूब ढेर, अगर मान लो रोटी फेंक दो यहाँ पर तो वह असीमित, मान खूब ढेर फेंक दोगे तो असीमित है तब लड़ाई नहीं होगी, लेकिन एक रोटी रखते तब लड़ाई होगी। तस्मित संसाधन जब होती है तो उसके बीच में प्रतिस्पर्धा होता है। ऐसे समष्टि में प्रारंभ में धीमी गति से, देखो प्रारंभ में धीमी गति, देखो धीमा एकदम माने शुरुआत में धीमा गति से वृद्धि होता है, ठीक है? धीमा गति से क्या होती है? वृद्धि होती है। और अंत में प्रतिस्पर्धा और सीमित संसाधनों के कारण स्थिर वृद्धि होती है। अब धीरे धीरे वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, और फिर क्या होता है? इस कारण ऐसे समष्टि में यह सकार का वक्र प्राप्त होता है, ऐसे वृद्धि को संभार तंत्र समष्टि वृद्धि कहते हैं। समझो अच्छा, देखो ये इधर तक साफ चित्र बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ से आपको देखेंगे तो इस तरीके से गया है, फिर माने इस तरीके से जा रहा है, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है, फिर इस तरीके से आपका वक्र गया। तो शुरुआत में वृद्धि बहुत धीमे धीमे होती है, ठीक है ना? माने देखो हाई रेखा नीचे का मतलब है कि धीमा वृद्धि हो रहा है, अगर डायरेक्टली ऊपर होता है तो कहते बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रहा है, तो धीमा धीमा वृद्धि हो रहा है। अब बीच में जब जाते हैं यहाँ से तो स्थिर हो जा रहा है, स्थिर का मतलब होता है रुक जा रहा है वृद्धि, फिर उसके बाद से तेजी से वृद्धि हो रही है इस तरीके से। और ये वृद्धि जो होती है उसके लिए जब हम लोग एक वक्र खींचते हैं तो ये वक्र किस आकार का प्राप्त होता है? यह आकार का प्राप्त होता है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यश वक्र या सिग्माइड वक्र कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यश वक्र। समझे हो कब कब होता है? पहले धीमा होगा वृद्धि, फिर तनी ऐसा स्थिर होगा, फिर बढ़ेगा, फिर धीमा हो जाता है। तो इसके बीच में जो वक्र खींचते हैं वह यश आकार का वक्र होता है, जिसको हम लोग यश यानी यश वक्र या सिग्माइड वक्र कहते हैं। सबको याद हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं तुमको, ये तीन प्रकार के ये भी होता है, ठीक है ना। मान जो यश वक्र होता है इसमें जो प्रवस्थाएँ होती है तीन प्रकार की होती है। खुद अपने आप लोग लिखिएगा, लिखाने नहीं पड़ेगा एकदम, इसलिए हम इससे पढ़ा रहे हैं कि आप इसको लिख लेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा, आज भी जाके लिख लेना, ध्यान रखना। तो अब यश वक्र में खाली आप हेडिंग बना लीजिएगा जो मैं बना रहा हूँ, यश वक्र में प्रावस्थाएँ या अवस्थाएँ, प्रावस्थाएँ लिख लो। कितने प्रकार की होती है प्रावस्थाएँ? तीन प्रकार की, तीन प्रकार की। पहले समझ लो खूब बढ़िया से, कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन? एक दो तीन। जो पहला होता है उसका नाम होता है प्रारंभिक या लय अवस्था, प्रारंभिक या लय अवस्था। तीन अवस्था, इसमें भी तीन अवस्था, उसमें भी पाई जाती है जे आकार वाला में। जे आकार वाला तो उच्चार घटाएंगे तो बहुत तेजी से वृद्धि होता है, जे आकार की संरचना होती है। प्राइमरी या लय फेज कहते हैं, अवस्था को फेज कहते हैं, और प्रारंभिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइमरी। दूसरा होता है मध्य अवस्था या त्वरण अवस्था, एक्सकलेशन कहते हैं ना त्वरण के, हाँ। तो दूसरा होता है मध्य या त्वरण अवस्था। अंग्रेजी में इसको मध्य को तो सब लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट या देखो इंटरमीडिएट का ये हिंदी होता है मध्य, समझ रहे हो। एक होता है अंतिम प्रवस्था या स्थिर प्रवस्था, तीसरा होता है अंतिम प्रवस्था या स्थिर प्रवस्था, ठीक है। ये तीन प्रवस्था के नाम आपके पास मौजूद रहा, समझ रहे हैं बात को? कौन कौन? एक प्रारंभिक या लैग अवस्था, दूसरा होता है मध्य या त्वरण अवस्था, तीसरा होता है अंतिम प्रवस्था या स्थिर प्रवस्था। तीन प्रकार के यश वक्र में प्रवस्थाएं होती है। अब देखो ध्यान से, तीनों होता का है। प्रारंभिक जो प्रवस्था होती है, इस प्रवस्था में जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करता है, अतः इस प्रवस्था में बहुत कम वृद्धि देखने को मिलती है। पहली बार आप डायरेक्टली वृद्धि थोड़े कर लेंगे, कहीं अगर आप जाएंगे तो पहले धीरे धीरे आप वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाएंगे, बस समझ रहे हो। पहले जहाँ आप जाएंगे कहीं उपस्थित रहोगे तो वातावरण को अपने अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे कि वातावरण हम माने अपने अनुसार इसको बना लें, तो वहाँ पर वृद्धि बहुत धीमी होगी, बहुत तेज़ी से वृद्धि नहीं होती है जनसंख्या में। आप वहाँ रहेंगे वातावरण के अनुसार अपने आप को आप अनुकूलित करेंगे तब आपकी वृद्धि बढ़ेगी। तो होता क्या है इसमें बाबू, कि प्रारंभिक अवस्था में जो जीव होता है, जो क्या होता है, जीव होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था में जीव की वृद्धि बहुत क्या होती है? कम होती है। क्या है? शुरुआत वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक या लय प्रवस्था, शुरुआत वाला। देखो तो कितना धीमा वृद्धि हो रहा है, नीचे नीचे लाइन जा रहा है, जितने ऊपर लाइन जाएगा उतने तेज से वृद्धि होगी। तो प्रारंभिक या लय अवस्था में जो जीव होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, तो उस समय उसका वृद्धि बहुत कम होता है। आप घर के कहीं जाइएगा ना, रिश्तेदारी में, अभी रिश्तेदारी का बात कर रहे हैं, यहाँ से आप गोरखपुर चले जाइए तो ऊर्जा के वातावरण के समझे में कई दिन लग जाए, केने सूरज निकलता है, कहाँ है, केने दक्षिण है, केने उत्तर है, कई दिन लग जाएगा, तब आपका दिमाग खुलेगा हाँ ऐसा है आपका। तो अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास किया जाता है, तो होता है प्रारंभिक या लय अवस्था। अच्छा दूसरा जो होता है, समझे हो ना, क्या प्रारंभिक अवस्था क्या बताओगे? सुने नहीं हो ध्यान से तुम लोग, ये कमी है यार। बताया गया कि जीव जो होता है ना प्रारंभिक अवस्थाओं में वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, जैसे वातावरण होगा उसके अनुसार ढालना बहुत जरूरी है। उस समय जब बदलने का प्रयास करता है तो उसकी वृद्धि बहुत कम होती है, तो इसी को बोलो प्रारंभिक या लय अवस्था कहते हैं, मध्य या त्वरण अवस्था। अच्छा मध्य या त्वरण अवस्था में क्या होता है ना, इस प्रवस्था में भोजन की बहुतावत या अनुकूल परिस्थितियाँ होने से समष्टि में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, इस कारण से चर घटान की अवस्था भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप कहीं गए गोरखपुर गए मान लो, तो पहले तो आप वहाँ के मान व्यवस्था देखेंगे,
तो कई दिन लग जाएगा देखने में। लेकिन ये बात यहाँ की नहीं है, बात हो रही दूसरे माने एक स्थान से दूसरे स्थान की बात हो रही। तो अब जब कोई भी जीव है जब दूसरे अवस्था में होता है कि उसको पर्याप्त भोजन मिले, पर्याप्त संसाधन मिलना लगेगा, तो उसमें तेजी से वृद्धि होती है। तो इसको चार घातांकीय वृद्धि कहा जाता है। चार घातांकीय मुताबिक जे रखा के ये वाला हिस्सा देख रहे हैं बहुत तेजी से वृद्धि हो, खड़ा एकदम हो गया, ये जितना ही खड़ा रहेगा ना उतना ही तेजी से वृद्धि होगी। तो द्वितीय अवस्था में भोजन और संसाधन की उपस्थिति कारण इन जीवों में बहुत तेजी के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा होता है अंतिम प्रवस्था या स्थिर प्रवस्था। अंतिम प्रवस्था या स्थिर प्रवस्था में क्या होता है, देखो ध्यान से। इस अवस्था में पर्यावरणीय प्रतिरोधों के बढ़ने, भोजन की कमी के कारण समष्टि की वृद्धि पुनः धीमी हो जाती है और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं, इसलिए वृद्धि दर शून्य हो जाती है और ये साम अवस्था में आ जाती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें वृद्धि धीमा, अब वृद्धि धीमा का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल आप नहीं बन पाते हैं, भोजन आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाता है। तो जब भाई बराबर होगा तो वृद्धि दर तो बढ़ेगा नहीं, तो वृद्धि दर बहुत क्या होता है, कम हो जाता है, घट के शून्य हो जाता है। क्योंकि जितना जन्म दर है, वृद्धि दर निकालने के लिए आपका काम सूत्र लिखा है ना यहाँ पर, जन्म और माइनस क्या मौत माने बर्थ माइनस डेथ, तो जब ये घटेगा तो इसका मान जीरो है, तो इसलिए इसका वृद्धि दर क्या होता है, जीरो। अरे जब ये जीरो होगा, जब सोचो यहाँ पर जब ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो इसमें गुणा कर तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए समीकरण एक आता है, अंतिम प्रवस्था के लिए जो समीकरण आता है वो समीकरण आपके पास होता है क्या, वह समीकरण आपके पास होता है, देखो लिखा है dN बटा dt बराबर r है और फिर यहाँ पर n है और यहाँ पर k माइनस n अपान क्या है, k है अपान k है, ठीक है। और कौन क्या है जानते ही होंगे आप लोग, dN बटा dt जनसंख्या घनत्व वृद्धि है ना, यहाँ dN बटा dt जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। आर का है वृद्धि दर, मैंने प्राकृतिक वही वृद्धि दर आपको दिखा रहा है। और उसके बाद से के का है धारण क्षमता, के क्या है कितना माने जीव धारण करता है, उत्पन्न होता है उसको धारण क्षमता। अयन तो जानते ही होंगे जन समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व, जो समष्टि को भी अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं और जनसंख्या को भी अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखो तो आज जो बात हम लोग किए, ये आज जो बात किए उसका नाम था आपका यश वक्र। जरूर याद रखना प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि बहुत धीमा होता है क्योंकि जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलने के लिए, मध्य में उसको पर्याप्त भोजन मिलता है, पर्याप्त संसाधन मिलता है, जिसके कारण जीव बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, जिसको चार घातांकीय वृद्धि करते हैं। और फिर आपके अंतिम प्रवस्था में वृद्धि बहुत धीमा हो जाता है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं, तो शून्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि दर क्या होता है, जीरो हो जाता है। बताओ ये प्रश्न आपको आज तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके और आपको शायद अब लिखाने की जरूरत नहीं होगा, आप लोग उसमें से लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाते हैं तो मोबाइल चालू करके उसमें देख लीजिएगा क्या क्या बताएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, बस आपके अंदर ललक होना चाहिए लिखने के लिए। अच्छा चलो इसी हाथे पाते एक बार और आपको हम बता देते हैं, मिटा दे आई जे वक्र वाला, कौन वाला जे वक्र वाला। देखो जब भी ये प्रश्न किस टाइप का होगा बाबू, ये प्रश्न किस टाइप का होगा, जे वक्र के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये प्रश्न होगा, जय प्रश्न पूछेगा जनसंख्या वृद्धि के तात्क्षणिक प्रतिरूप को आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए या आलेख के द्वारा वर्णन कीजिए। आलेख है ना बनी जगह बन लो बना ले बोलो ना आलेख है ना, जे आकार कर या सकार कर, तब इसको क्या करना है वर्णन करना, क्या करना है वर्णन करना। तो वर्णन करने के लिए जे वक्र या ज्यामितीय वक्र में जब किसी समष्टि के लिए असीमित संसाधन है, असीमित का मतलब माने कम से कम 10,000 रोटी आप छींट दिए, असीमित का मतलब एक रोटी। तो देखा पूरी समझावला सी फायदा होगा कि दिमाग आदमी समझा कि सीमित असीमित का वाला किताबी भाषा से इतनी दिक्कत होगा, अगर 10,000 रोटी बिक दो तो कहेगा असीमित काहे को कितना लोग खा सकेगा, कितना जंतु खा सकते हैं, आइए को रोटी बात होगी लड़ाई होकर करी रोटी का। तो जे वक्र में जे का पूरा नाम होता है ज्यामितीय वक्र, ज्यामितीय वक्र जगह सिग्माइड वक्र था वहीं। तो जब किसी समष्टि के लिए असीमित संसाधन है
तथा पर्यावरणीय प्रतिरोध न हो तो समष्टि में निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है तथा इसके पश्चात एकदम रुक जाती है क्योंकि अचानक ही पर्यावरण गतिरोध अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो इस प्रकार के समष्टि वृद्धि के लिए जी आकार का वक्र प्राप्त होता है और इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में केवल दो अवस्थाएँ ही पाई जाती है, इसमें तीन नहीं पाई जाती, केवल दो पाई जाती। जब असीमित संसाधन उपस्थित होता है, अच्छे पर्यावरण उपस्थित होता है, तो जितने भी जीव होते हैं बहुत तेजी के साथ वृद्धि करते हैं। किसके साथ? बहुत तेजी के साथ वृद्धि करता है और वह एक वक्र जे आकार का प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ उसी को हम लोग कहते हैं जे आकार, जो माने हम लोग खींचते हैं तो जे आकार का प्राप्त होता है। इसमें दो ही प्रवस्था पाई जाती है। अभी आप यश में देखे थे कितने प्रवस्था पाई जाती है, तीन, ठीक है ना। इसमें मात्र जे में कितने पाई जाती है, दो। सुनो, एक होता है प्रारंभिक या लय अवस्था, काले पूरा लिखा जाना चाहिए, कॉपी पहले जांच होगा आपका, प्रारंभिक या लय अवस्था। दूसरा चर घातांकी या लघुगणकीय अवस्था, चर घातांकी या लघुगणकीय अवस्था, प्रारंभिक या लयिक अवस्था, और दूसरा होता है चार घंटे चार घातांकी या लघुगणकीय अवस्था। लघुगणकीय का अंग्रेजी में लाग कहता है। तो ये अवस्था समष्टि के जीवों के लिए पर्यावरण के साथ संयोजन की क्रिया है। प्रारंभिक में तो सुनो, चाहे वयस अप्रवस्था हो, मारे चाहे वयस वक्र हो, चाहे आपका जीव वक्र हो, पहला में यही होता है। उसमें भी पहला में क्या देख रहे थे, जो जीव थे वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बना रहे थे। यश वाला में भी, आज जीव वाला में भी यही हो रहा है कि जो जीव है वह पर्यावरण को अपने अनुसार बनाने का प्रयास कर रहा है। भाई कहीं भी आदमी जाए तो पहले पर्यावरण का अपना अनुसार, कहीं किसी घर गए या पिताजी के लिए सहला भी तोरे बोल देंगे, पहले देखें कैसी लड़की है। तो पहले तो समायोजित करना पड़ेगा ना, प्रारंभिक बात यही है, समायोजित करना पड़ेगा। तो बापा मौला दू लाठी चुतरे पर चुतर हो गई लाल, सब निकल गए। एक होता चल घटांकी या लघुगण की अवस्था, चल घटांकी या लघुगण की अवस्था। तो इसमें क्या होता है देख लो, इस अवस्था में समष्टि की तीव्र गति से वृद्धि होती है। दू से चार देख लो है बाबू, अपना हरा वृद्धि होला, दू से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, दूर से घुड़ा करो चलो सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौदह, तक हरा वृद्धि होता है। अंत में जाके एकदम वृद्धि रुक जाता है क्योंकि पर्यावरण अब उसके अनुकूल रहता ही नहीं कि और वृद्धि करे। शुरुआत में देखा बहुत धीमा, लेकिन बाद में देखा ना हरा दू चार छः बार, इससे वृद्धि होता है। किसमें? जीवक्र में। किसमें? जीवक्र। बाद में जाके क्या होता है, विधि एकदम रुक जाती है। इसके लिए तो सूत्र भी पढ़े थे आप, काची डी एन का लिखल भाई थे पूरा, ये लिखा गया तीनों आपका डी एन बटा डी टी अभी माइनस डी ई आपका है, ठीक है। तो दोनों आप लिखेंगे, लिख लेंगे सब पर। तो प्रश्न एक बना लीजिए, इस प्रश्न हेडिंग बनाकर आप लिख लीजिएगा, लिखिए